दोस्तों वेलकम टू आरबी एजुकेशन। अब आज हम राजस्थान हाईकोर्ट एलजीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 12 मार्च और आज के दिन यानी 19 मार्च दो शिफ्टों में पेपर हुआ है हाईकोर्ट एलजीसी का, और दोनों के ही लेवल का जो पेपर का वो मॉडरेट टू हाई था। या सबको पता है, सब पेपर देखे आए, उनको भी, मेरा भी 12 तारीख को पेपर था, तो दोनों का पेपर मॉडरेट टू हाई था, ये आपको पता होना चाहिए। पिछले साल की तुलना करें हम 2021 और 2022 में जो पेपर हुआ और अभी 2023 में पेपर हुआ, इनकी हम तुलना कर रहे हैं। पिछले साल इसकी पोस्ट कितनी थी, 1700 के समथिंग पोस्ट थी, और अभी वर्तमान में इसकी 2700 पोस्ट हो गई, यानी 1000 पोस्ट बढ़ चुकी है, ठीक है। और पिछले साल की लेवल की बात करें तो ईजी से क्या था, मॉडरेट लेवल था, और अब की बार लेवल क्या है, मॉडरेट से हाई, ठीक है। पिछले साल की कट ऑफ की बात करते हैं, मैं कट ऑफ जो सबसे हाई गई थी उसकी बात लेके चल रहा हूँ। 224 कट ऑफ गई थी ओबीसी की, ठीक है, उसको हम जनरल मान के चल रहे हैं, तो 224 कट ऑफ गई थी जब पेपर का लेवल ईजी से मॉडरेट था, ठीक है। और अब की बार मॉडरेट से हाई लेवल है, तो हम क्या एक्सपेक्टेड करें, अगर कट लेवल हाई रहेगा तो कट ऑफ और कम होनी चाहिए, तो 224 से जस्ट 10 नंबर कम कर रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कर रहा, 214 मान के चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन दो शिफ्टों में पेपर हुआ है और थोड़ी सी पोस्ट भी बढ़ी है, तो ओवरऑल इस हिसाब से हम फाइनल की बात करें, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैं 210 से लेकर 205 से लेकर 215 के बीच फाइनल कट ऑफ मानता हूं, और इसी के बीच में जाएगी कट ऑफ। तो ये सब बताने के लिए मैंने ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।